मुंबई शहर के फेरी वालों पर इन दिनों संकट के बादल गहरा रहे हैं, क्योंकि बीएमसी द्वारा लगातार फेरी वालों पर कार्रवाई की गई है, जिससे उनकी जीविका पर काफी बड़ा असर हुआ है, जिसको लेकर अब फेरी वालों का एक समूह उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद व जनसेवक गोपाल सेट्टी से बोरीवली में मिले। इस दौरान गोपाल सेट्टी ने लोगों की समस्या सुनी और विचार विमर्श करते हुए कई तरह के उन्हें निष्कर्ष भी बताए। आपको तस्वीरों में देखकर यह हैरानी होगी कि जिन फेरी वालों की जरूरत हम सभी सामान्य लोगों को रहती है, वही जरूरत जो है आम से लेकर खास लोगों को भी रहती है, लेकिन उसके बावजूद फेरी वालों का न तो जोन बनाया गया, न तो उन्हें उचित स्थान दिया गया, जिसको लेकर एक बार फिर से जनसेवा गोपाल सेट्टी ने आवाज बुलंद की और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फेरी वालों के लिए सर, आज इतने सालों से हम फुटपाथ पे धंधा कर रहे हैं, यहाँ से हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, यहाँ से हर चीज किए। दूसरी चीज, आज बहुत साल के पहले गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को पावती मिलती थी, वो तभी हम लोगों को जब पावती मिलती थी तो कोई तकलीफ नहीं देता था, ना म्यूनिसिपैलिटी ना पुलिस वाले, ऐसा कोई तकलीफ नहीं होता था। लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसा कोई रूल निकाला जाए कि हम लोगों को एक अस्थाई जगह मिल जाए, अस्थाई जगह से हम अपना पेट पाल सकें और अच्छे से रहें। दो को बिठाने का बैठा दो, खत्म कर दो, हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो मेरे पास कोई इलाज नहीं, मैं जो बोलता हूँ आपको समझ में आएगा, उसके ऊपर आप काम करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी वजीरा नाका पे समझो कोई बिल्डिंग के बाहर में बताया कि यहाँ पर फेरी वाले बैठेंगे, अंजलि खड़े करके वार्ड में वहां पर बैठेंगे, ऐसा बताया ना पहले भी, और वहां पर अभी बिठाएंगे ना, वहां पर बिठाएंगे ना। तो आपने सिर्फ जाकर ये बोलना है कि यहाँ पर बिठाने का व्यवस्था में है, ये लियादी में नाम है और ये बैठे, इनको मत परेशान करो। वो बोलेंगे हाँ ठीक है, हमको क्या प्रॉब्लम है। अभी पेपर में सड़क पर वापस डिक्लेयर करेगा, ये नेताओं का काम इधर है, नेताओं का काम यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो ये करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। हाँ, ये आपको करना पड़ेगा। हाँ, अभी प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, एक ऐसा रास्ता है जिधर अभी फेरी वाले नहीं है और कॉर्पोरेशन वहां पर लोगों को बिठाने वाले है, हो सकता है वहां के बिल्डिंग के लोग ऑब्जेक्शन लेंगे, ये वो तो बात की बात है, लेकिन जहाँ पर यादी में है वहां पर तो खत्म करो, 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। जो वर्तमान में चल रहा है कितना दिन चलेगा, कैसा चलेगा, उसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन सेकंड फेज थर्ड फेज का आप लोग अभी से ही सुझाव दो, अभी से सुझाव दो। हम लोग कभी कभी देते हैं, आपको जाओ कॉर्पोरेशन में से रिकॉर्ड पे, मैं सब खुलकर बोलता हूँ, अशोक नर अपने शिवसेना के नगर से होते हैं, उन्होंने 97 के कॉर्पोरेशन के हाउस में ये प्रपोजल रखा कि जो भी बिल्डिंग बनेगी उसमें 50 फुट का दो गाला रख दो, उसको विरोध कर दिया कॉर्पोरेशन ने, ऐसा कहता हूँ ऐसा कैसा हो तो कैसा होगा। और आपकी जानकारी के लिए म्यूनसिपालिटी मार्केट है ही नहीं, कांदोली का टूट गया, बोरली का टूट गया, परसों में दिलीप भाई से बात कर रहा था, दिलीप भाई मुझे बोलने लगे अरे पब्लिक को चलेगा, पब्लिक को परेशान होती है, कैसे चलेगा, मतलब गोरेगांव का क्या हाल है, मार्केट है क्या, नहीं बोलते वो भी टूट गया, गोरेगांव भी टूट गया, ऐसे मुंबई के जूने जितने मार्केट है उसमें से आधे टूट गए, नया तो आप बना रहे हो, पब्लिक बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो जिस चीज का डिमांड है वो तो बेचने के लिए लोग आएंगे ना, आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि फेरी वालों को परेशानी करने का धंधा आने वाले दिनों में बंद होना चाहिए, फेरी वालों को सम्मान मिलना चाहिए। ये मैं आप लोगों को आप कहां पर किसान उगाता है, सिस्टम देखो कैसा डेवलप हुआ है, एक कोने से दूसरे कोने में माल पहुंच जाता है, बिक जाता है, पैसा हो जाता है, लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, गाड़ी चलता है, घोड़ा चलता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है, सबको काम मिलता है। तो ये कोई बोलेगा कि नहीं, सत्यप्रकाश भी कम से कम वीडियो से बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बोलेगा क्या ये बोलोगे, कोर्ट ने ना बोला लेकिन गोपाल शेट्टी बोलते हैं कि फेरी वालों को मदद करो, ये बोलोगे तो रास्ता निकलेगा ही, तो इसका सिस्टमेटिक बनाओ। जितनी बातें मेरे को समझ में आती है उससे मैंने बताया, आप लोग के दिमाग में भी और कुछ होगा तो वो भी कभी इस प्रकार के भाषण में आकर बताओ, एक 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 आदमी का एक एक मुद्दा को लेकर हम बनाएंगे, उसमें से रास्ता निकलेगा। अब सितंबर का तारीख है उसके फेरी वाले विशेष करके भाजीपाला फल फ्रूट ये जो बेचने वाले है इनकी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि हम इनकी व्यवस्था करेंगे,
और कोर्ट ने भी कहा है कमिश्नर साहब को और भारत सरकार को कि भाई इनकी व्यवस्था करो करके। मैं फेरी वालों के समर्थन में हूँ और जो अनवांटेड फेरी वाले जिस प्रकार से बड़े बड़े जगह कब्जा करके ट्रैफिक को परेशानी पब्लिक को परेशान करते हैं उनके खिलाफ में भी फेरी वाला जो कुछ भी चीज बेचता है लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेचता है। इसलिए मैं जगह जगह पर जाकर लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे लोगों को जो चीज़ आवश्यक चीज़ें भी मिले और अन्य लोगों को परेशानी भी ना हो उसकी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। डेवलपमेंट प्लान में जितने मार्केट बताए उतने मार्केट महानगर पालिका डेवलप कर नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे मार्केट जगह पर झोपड़पट्टियाँ बन गई। जो मार्केट 25-50 साल के पहले बनी थी वो टूट गए वापस बन नहीं पाए। बोरली का मार्केट टूट गया, कांदोली का टूट गया, गोरेगांव का टूट गया, ऐसे बहुत जगह पर टूटा हुआ है। पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गया और जितना पहले मार्केट था वो भी कम हो गया। तो जो लोगों की आवश्यकता है वो आप पूरा कैसे कर पाओगे? भाजी तो एक ऐसा चीज़ है कि वहाँ पर पकाने वाले ने पकाया, ट्रांसपोर्टिंग किया, यहाँ पर लाया, बेचा, एक कोई महीना 15 दिन स्टॉक रखने वाला चीज़ नहीं। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी और मैंने लोगों से सुझाव मांगा कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात हो तो मुझे बताओ। मेरे दिमाग में जो जो था वो मैंने बताया। बड़े बड़े बिल्डिंग इन दिनों में बन रहे हैं, वो बिल्डिंग को लगने वाले भाजीपाला फल फ्रूट वही बिल्डिंग के अंदर 200-500 फुट का एक दुकान बनाकर बेचे, इस प्रकार की व्यवस्था हमको खड़ी करनी पड़ेगी। और वो दुकान का भाव आप 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट करोगे तो कोई भाजी बेचने वाला उसको खरीद नहीं पाएगा। सरकार को रिजनेबल रेट में उसको देना पड़ेगा। जो बहुत दिनों से फेरी का धंधा करते हैं उनमें से किसी को एक जगह देना पड़ेगा, उसका भाड़ा भी रिजनेबल रखना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे करते 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 सारा प्रॉब्लम आने वाले 5-10 साल में सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसको एक प्लानिंग करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी अपना एक मन बना लेना चाहिए। अब बीजेपी की सरकार है इसलिए अन्य पार्टी के लोग फेरी वालों का विरोध करेंगे, या तो फिर अन्य पार्टी के लोग विरोध में है इसलिए वो कहेंगे कि इनको बिठाओ, सत्ताधारी पार्टी वाले विरोध करेंगे तो इसमें रास्ता निकलेगा नहीं। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मैंने चिट्ठी लिखकर कहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को साथ में बुलाओ और सबका मत जान लो और उसको इम्प्लीमेंट कर लो। नहीं, ये 1985 से मामला चल रहा है, बेंडिंग जोन का बार बार मीटिंग हुआ 10-15 साल के पहले, अभी फिर एक बार हो रहा है। जैसे फेरी वाले अभी बता रहे हैं कि बोरेली में 5,000 लोग फेरी का व्यवसाय करते हैं और यादिया सिर्फ 700-750 लोगों का है, तो इसमें से कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। इसलिए इसको सभी लोगों के साथ में बैठकर ही इसका रास्ता निकलेगा। कोई भी अपना एक ताकत अजमाएगा तो इसमें रास्ता निकलेगा नहीं। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग सपोर्ट करके भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग विरोध करके भी सॉल्व होने वाला नहीं है। यूनियन के लीडर कोई भी एक उनका लीडरशिप करने के लिए कोई आप ऐसी डिमांड करेंगे तो वो भी पूरा होने वाला नहीं है। कुल मिलकर सबका साथ और सबका विकास के जो बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं, सबको सुविधा और सबकी व्यवस्था, ये मोड में हमको जाना पड़ेगा तो इसका रास्ता निकलेगा। समय लगेगा लेकिन निकलेगा और हम सबको ही निकालना पड़ेगा। इसके लिए कोई विदेश से आकर निकालेंगे नहीं, ये हम सब लोग को ही मिलकर इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा।